नंबर जो होता है, नाइन होता है है नौ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है इसमें तो टोटल दस इलेक्ट्रॉन हो गया एनी के पास टोटल दस इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है सोडियम के पास होता है ग्यारह इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया है तो इसके पास भी दस इलेक्ट्रॉन तीनों का दस इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट टू एट टू एट ठीक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है

देखो एन का वैल्यू तीनों जगह सेम है तो उस पर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट सभी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सभी का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रेक्शन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो भी सेम होगा तो ये भी गलत हो जाएगा तीसरा है न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये इफेक्ट पड़ता है देखो एक पे निगेटिव चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होने के बाद क्या है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटोन क्या हो जाएगा सेम रहेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो जाएगा वो क्या होगा कम होगा जिसके वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा रिपल्स रिपल्सन होगा तो साइज को क्या कर देगा बढ़ा कर देगा है, वही सोडियम में उल्टा होगा सोडियम में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, लेकिन प्रोटोन का नंबर सेम रहेगा तो प्रोटोन ज्यादा है तो वो उतना ही एनर्जी लगाएगा उतना ही एनर्जी से खींचेगा उसको लेकिन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो इफेक्टिव जो रिपल्सन होता है वो क्या होगा कम होगा जिसकी वजह से क्या होगा साइज क्या हो जाएगा आ, 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 घट जाएगा ठीक है ज्यादा एनर्जी से आ, इसको खींचेगा ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगाएगा तो ये इसका साइज कम हो जाएगा इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज के वजह से ऐसा होता है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दैट्स ऑल थैंक यू